जयराम विद्यापीठ में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर विराट हास्य कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और विख्यात हास्य कवियों ने समाज पर कई कटाक्ष और मानवीय संवेदनाओं को मार्मिक चित्रण किया। इस अवसर पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने भी लोगों को गीता जयंती की बधाई दी और हास्य कवियों को और लोगों का स्वागत किया। कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, पूरा हिंदुस्तान, ये पूरी दुनिया आज कुरुक्षेत्र की तरफ और गीता के माध्यम से घर घर में और हर व्यक्ति के दिल में आज गीता समाई हुई है। पूरा वातावरण गीता में बना हुआ है। कुरुक्षेत्र के लोग जो एक भावना और जिनकी एक सोच थी कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव पूरी दुनिया के कोने कोने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए, ये सपना आप सभी का आज पूरा हुआ हुआ है। इस सपने को साकार करने में मैं कुरुक्षेत्र की जनता को साधुवाद तो देना चाहता ही हूँ। कुरुक्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आज हमारे बीच बहुत ही सम्मानित, जिन्होंने अभी तक पूरा जीवन गीता में जिया है, समाज की सेवा में पूरे कर्म योगी हैं, जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उस काम को पूरा करते हैं और समाज की सेवा में, गौ सेवा में जिनकी अगाध आस्था है, और आज आप सभी के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से हिमाचल के सम्मानित राज्यपाल के पद पर रह करके हिमाचल की जनता की सेवा कर रहे हैं। आपके कुशल नेतृत्व में हिमाचल सरकार बहुत अच्छे कार्य, जो आपका एजेंडा है गौ सेवा, नशा मुक्ति, और हमारा जो जवान है वो देशभक्ति की तरफ, उनकी भावना बढ़े, देशभक्ति की तरफ वो मुड़े, ये सोच आपकी बचपन से लेकर के आज तक रही है। ऐसे महान सोच के धनी आचार्य श्री देवव्रत जी हिमाचल के राज्यपाल यहाँ आपके बीच में हैं। जयराम विद्यापीठ के इस तमाम दृष्टि और गीता जयंती स्वागत समिति के तमाम साथियों ने यह आग्रह किया था कि माँ महेश जी से आग्रह करके आप उनका आशीर्वाद लें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। आप भली प्रकार जानते हैं कि इनके सौजन्य से अपने कई प्रांतों में शिक्षा का कार्य चलता है, स्वास्थ्य का कार्य चलता है, गौ सेवा का कार्य चलता है, भारत की संस्कृति को धरोहर के रूप में संभालने का कार्य चलता है, और बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस प्रकार से जीवन का समर्पण भाव से त्याग के साथ मानवता और प्राणी जगत की सेवा करते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। भाई और बहनों, आज कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरा पर प्रति वर्ष की तरह है गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस साल इसमें और सरकार ने विशेष रुचि दिखाई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस कार्यक्रम को किया गया, जहां गीता का ज्ञान हम सबको प्रेरित करेगा। उसके साथ यह कुरुक्षेत्र नगर व्यापक रूप से जनमानस के हृदय में अपनी पहचान बना पाएगा, तो ये कुरुक्षेत्र नगर के लिए एक सौभाग्य की बात है, और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि कितने धर्म नगरी के अंदर हम रहते हैं, जहाँ अनेक आश्रम हैं,
अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अध्यात्मवाद का बीज यहाँ बोया गया और जो संपूर्ण विश्व के अंदर एक नया संदेश दे रहा है, तो ऐसे गीता के ज्ञान को हम सब अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे तो यह वो ज्ञान है कि जो भौतिक आध्यात्मिक सामाजिक हर क्षेत्र में हमारी उन्नति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शराब इस पर थी, आज वो आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी बात करने लगी है और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पवन दीक्षित, हम इसका भी स्वागत करें। जो दो चार लोग ताली बजा रहे रहन दो, कोई ऐसा नहीं याद है हमारे। ये वो कवि लोग हैं कि जिनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं फ्री फंड में। हमारी कमाई इसी से होती है कि हम निकलने के पैसे मांगने लगते हैं, तो जितना आने का नहीं मिलता उससे ज्यादा निकलने का, जो जाएगा ये इतना देर तो जाकर के पिंड छोड़ेंगे आपका। आप कवि सम्मेलन कब तक चला ये महत्वपूर्ण नहीं है, कवि सम्मेलन कैसा चला ये महत्वपूर्ण होता। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जीने। आप कब तक जिए कैसा जिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे एक बहुत बुजुर्ग कवि ने एक बात कही थी, दिन के उजाले में ऐसा ना कोई काम करो नींद आए ना तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ऐसा ना करो कोई काम मुंह छिपाते फिरो दिन के उजाले में। आप अपनी तालियों से इन कवियों को नवाजते रहिए, जब तक आप यहाँ जुड़े रहेंगे हम आपसे जुड़े रहेंगे। 15-20 दिन रुक जा, मैंने कहा इतनी खातिरदारी क्यों, बोली खातिरदारी की बात नहीं है, हमारी भैंस का काटरा मर गया तुझे देखकर दूध देंगे। चार बिल्कुल नई लाइन सुनिएगा, हादसे का कवि हूं। आप बस ये सोचकर सुनिएगा कि कवि किसी पार्टी पक्ष का नहीं होता, ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं ना भाजपा से मेरा कोई संबंध है आदमी, तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं, तो बताना पड़ता है भ्रम की स्थिति पैदा ना हो जाए। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, इसका इको थोड़ा सा कम कर दीजिए, खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, कैशलेस कर दो इसको। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम। और चार लाइन सुनिएगा,